The topic for discussion which I am given is very enticing, luring, though I am not competent enough to do justice with this, but still I'll try. विश्व गुरु के संदर्भ में एनईपी 2020 को रखते हुए हम समाज में टीचर की भूमिका का पुनर्वलोकन कैसे करेंगे। मैं अपनी बातचीत में रिटोरिक्स का इस्तेमाल नहीं करता हूं सामान्यता। मैं जो जिंदगी से सीखा हूं, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे शिक्षकों ने पढ़ाया है, मैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए वे सारी बातें आपके समक्ष रखूंगा एक प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी ऐसे स्थान पर बोलना होता है जैसे दरभंगा, तो कोई भी व्यक्ति ज्यादा कॉन्शियस होता है। 19 जनकों में से दो जनक सीधे इस स्थान से जुड़े हुए हैं, एक जनक मिथि जिनके नाम पर मिथिला है, और दूसरे जनक शिरध्वज, जो इतने विद्वान थे कि यज्ञवल्क्य जैसे ऋषि भी जिनके दरबार में आश्रय पाते थे और जिनके ज्ञान की कसौटी पर खरे उतरे बिना कोई भी व्यक्ति ऋषितुल्य नहीं हो पाता था। विद्यापति जी, कुमारल भट्ट आदि की धरती को प्रणाम करता हूं, और मेरे पूर्ववक्ता प्रोफेसर अरविंद जी ने जिस बात की ओर इशारा किया उससे ये धरती भी सीधी जुड़ी हुई है, और वह है सांख्य योग। ऋषि कपिल ने जो सांख्य योग लिखा है, जिसको श्री कृष्ण भी मानते हैं, ऋषियों में स्वयं को कपिल कहते हैं, जिनके वक्तव्य में जो संदेश उन्होंने श्री अर्जुन को दिया है उसमें बारंबार सांख्य दर्शन पुरुष प्रकृति का वर्णन होता है। पूरी दुनिया ने जिस सांख्य योग को समझा है, पढ़ा है और उसके आधार पर प्रकृति और पुरुष की रचना की है, अपने भीतर के प्रकृति और पुरुष की रचना की है, ऐसी धरती पर इतने विद्वानों के समक्ष बोलना एक निश्चित रूप से कठिन कार्य है। मैं ज्यादा बात विश्व गुरु की करूंगा क्योंकि विश्व गुरु एक ऐसा टर्म है, यूं तो बारंबार इसकी चर्चा हुई है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विश्व गुरु की चर्चा बहुत अधिक हो रही है। पूर्व में हम विश्व गुरु बने थे और अब बनना चाहते हैं। पहले क्वालिटी थी, अब एम्बिशन भी है। इन दोनों के मध्य में काफी अंतर आ जाता है। पहले हम अपने गुणों के कारण विश्व गुरु स्वतः ही बने, आज विश्व गुरु बनना चाहते हैं, यानी उसमें संघर्ष स्ट्रगल निहित है। इसका मतलब स्पष्ट यह हुआ कि कभी हम विश्व गुरु थे फिर हम नहीं रहे, लगभग 1200 वर्ष हम विश्व गुरु नहीं रहे, फिर से एक चेतना उत्पन्न हो रही है कि हम विश्व गुरु बने। अनेक विद्वानों को मैंने पूर्व में भी अन्य अन्य स्थानों पर सुना, तो जब भी विश्व गुरु की बात आती है तो हम महोपनिषद की का एक श्लोक, उसकी भी एक लाइन विशेष का उच्चारण करते हैं, उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम्। हम इसलिए विश्व गुरु थे ऐसा कहा जाता है, जो कि सही नहीं है। इटिमोलॉजिकली भी ये सही नहीं है, ज्योग्राफिकली भी ये सही नहीं है, एंथ्रोपोलॉजिकली भी ये सही नहीं है। बहुत सारी बातें रिटोरिक्स में बोली जाती है, और कभी कभी यह होता है कि गंभीर विषयों को भी जब हम
बात रेटोरिक्स की दृष्टि से बोलने और सुनने और कहने लगते हैं तो उसकी गंभीरता समाप्त हो जाती है, वह कथा में परिणित हो जाती है, वह क्षणिक भावावेश तो उत्पन्न कर देती है लेकिन कभी भी हमें किसी नियत स्थान पर नहीं लेकर जाती। वसुधैव कुटुंबकम एक अलग फिलॉसफी है और जो हम विश्व गुरु बने थे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और मैं अपनी बात का बहुत विस्तार ना करूं इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए जिसके आधार पर मैं ये बात करना चाहूंगा कि विश्व गुरु बनने के लिए क्या करना होगा या हम विश्व गुरु क्यों थे। टीचिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हर क्लास हर दिन एक चैलेंज देती है, एक चुनौती देती है। और हमारे क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं वो हमारे तत्कालीन या आद्यतन दोनों ही रूप से बहुत बड़े शिक्षक होते हैं। और ऐसे शिक्षकों से बचने के लिए भी शायद बहुत सारे क्लास में शिक्षकों ने ऐसी प्रथाएं बना दी कि जिससे डायलॉग ना हो, डिस्कोर्स ना हो, क्योंकि सामने वाले ने अगर प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। एक बहुत सुंदर प्रसंग अभी पूर्वक्ता ने दिया था, प्रोफेसर अरविंद जी ने दिया था कि अगर विद्यार्थी लगातार प्रश्न करेगा, लगातार चुनौती देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षक को क्रोध आ जाए या ईर्ष्या हो या शर्मिंदगी महसूस हो कि उसके पास उसका उत्तर नहीं है, इसलिए एक ऑटोक्रेटिक क्लास डेवलप हुआ। जब मैं बीएड कर रहा था तो मैंने शिक्षा के उद्देश्य में, अंतिम उद्देश्य में एक ही चीज जानी, एंड दैट वाज टू एस्टैब्लिश द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। लेकिन जब मैं क्लास में गया तो बहुत सारे शिक्षक मुझे ऐसे मिले और अध्यात्म की कक्षाओं में भी वो शिक्षक मुझे ऐसे मिले जिन्होंने एक ऑटोक्रेसी एस्टैब्लिश की हुई थी। मीन्स ओनली आई हैव अ राइट टू आस्क, ओनली आई हैव अ राइट टू टेल, एंड यू हैव अ ड्यूटी टू लिसन। ये तो क्लास कभी विश्व गुरु का क्लास होता ही नहीं। इसलिए मेरी जो चिंतन था, चिंतन धारा थी, वो लगातार इस विषय पर ज्यादा चलती गई कि विश्व गुरु होता कौन है, विश्व गुरु हम थे तो क्यों थे। और उसमें जो मुझे सबसे पहला उत्तर मिला वो ये था कि हम कभी भी डिस्कोर्स से घबराते नहीं थे, डिस्कोर्स से डरते नहीं थे, बल्कि डिस्कोर्स को इंड्यूस करते थे। उस परंपरा को हमने कहा शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ लड़ाई नहीं होती थी, युद्ध नहीं होता था, शास्त्र का अर्थ निकाला जाता था, टीका टिप्पणी होती थी, उसी में बहस भी होती थी और बेस्ट निकल कर आता था। और ये वो अनौपचारिक शोध हुआ करता था जिसकी वजह से भारत एक ज्ञान का देश बना। विश्व गुरु इसलिए थे क्योंकि हमने नॉलेज को एक्सपोर्ट किया। आज हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं इंपोर्टेड नॉलेज के बेसिस पर। विश्व गुरु इंपोर्टेड नॉलेज के बेसिस पर कोई कैसे बन सकता है? मैथमेटिक्स की जो रीसेंट थ्योरम है वो हमारी नहीं है, फिजिक्स की जो रीसेंट थ्योरम से वो हमारी नहीं है, केमिस्ट्री की रीसेंट इक्वेशंस वो हमारी नहीं है, कॉस्मोलॉजी के बारे में रीसेंट नॉलेज वो हमारी नहीं है, साहित्य के बारे में जो लेटेस्ट खोज हुई है वो हमारी नहीं है। और अभी जैसे सर ने भी कहा कि हमारे बहुत सारे दर्शनों पर जो खोज हो जा रही है, जो 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 रिसर्च की जा रही है, जो थीसिस लिखी जा रही है वो विदेश में लिखी जा रही है। 123 रिसर्चेस केवल और केवल अमेरिका में सबमिट हुई है पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय दर्शन के ऊपर। और इसमें जहां शुद्ध दर्शन भी है वहां ज्योतिष भी है, वहां वेदांत भी है। स्वामी विवेकानंद जी के प्रभाव से नव वेदांतवाद का दर्शन वहां ज्यादा पढ़ा सुना समझा जाता है बनिस्बत भारत के। हम आज भी यही कहते हैं कि 5000 साल पूर्व हम विश्व गुरु थे,
तो हम ये कहने में संकोच क्यों करते हैं कि आज विश्व गुरु क्यों नहीं है? प्रश्न वो नहीं था विश्व गुरु थे, प्रश्न वो है कि विश्व गुरु क्यों नहीं है और रीबिल्डिंग कैसे होगी, यह महत्वपूर्ण है। रीबिल्डिंग कैसे होगी? जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आज श्री कृष्ण पढ़ाए जाते हैं लीडरशिप कोर्सेज में, वहां भारत में आज भी लल्ला की पैजनिया बाजे रे से हम आगे जा ही नहीं पाए श्री कृष्ण के बारे में। जहां श्री कृष्ण के योगाचरण, योगेश्वर उनको बोला जाता है, तो जहां श्री कृष्ण के योग की चर्चा की जाती है, किस तरीके से हम स्थूल को सूक्ष्म के साथ योग कर सकते हैं, भारत में उसकी चर्चा नहीं होती है। मैंने एक स्टूडेंट से मेरी भेंट हुई अचानक, जो अमेरिका में पढ़ रहा था, एंड ही वॉज डिस्कसिंग एथेरिक बॉडी मेंशन इन वेदांत, द कॉन्सेप्ट ऑफ एथेरिक बॉडी। भारत में हम किसी से नहीं कह सकते, हम वहीं 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 साल पूर्व ही कहीं घूम रहे। विश्व गुरु वर्तमान स्थिति नहीं है, भविष्य की स्थिति है। और इसके लिए अगर हम केवल पास्ट को ही खंगालते टटोलते रहेंगे तो भविष्य में यात्रा नहीं कर पाएंगे, पास्ट में उलझ कर रह जाएंगे जो रह गए हैं। तो हम नॉलेज के एक्सपोर्टर थे, नॉलेज के इंपोर्टर नहीं थे। दूसरी बात, हमारी नॉलेज और पेडागॉजी दोनों इंडिजीनियस थी। आज हमारा क्लास उस स्तर से चलता है या उन नॉर्म से चलता है या उन प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागॉजी से चलता है जो विदेशों से आए आते थे। हम में से कितने टीचर्स ऐसे हैं जो पेड़ के नीचे बैठकर आज पढ़ा सकते हैं? प्रिंसिपल साहब को हमारे खिलाफ नोटिस इश्यू करना पड़ जाएगा ना चाहते हुए भी। और हम बात करते हैं विश्व गुरु की। नॉलेज कभी भी क्या फॉर्मल तरीके से इंकल्केट की जा सकती है? इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमें एक फॉर्मल सेटअप चाहिए, लेकिन नॉलेज के साथ नहीं चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज द प्रीडिसेसर ऑफ विजडम एंड विजडम इज द गोल ऑफ एजुकेशन। नोइंग द सब्जेक्ट इज नॉट एजुकेशन। नहीं तो हम विद्यालय क्यों कहते, हम शिक्षालय क्यों नहीं कहते? वो विद्यार्थी क्यों है, वो शिक्षार्थी क्यों नहीं है? तो हम विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हैं शिक्षक बनके, आचार्य बनकर नहीं जा रहे हैं। पूर्व में आचार्य है, छांदोग्य उपनिषद ने इसके बारे में बड़ी सुंदर व्याख्या की है, ब्रह्म पुराण ने भी इसके बारे में बोलते हुए कहा है कि अपने आचरण से विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला आचार्य है। यह एक फॉर्मल डिग्री नहीं है। इसीलिए आचार्य लगातार विद्यार्थियों के साथ भ्रमण करते हैं। टीचर में और ट्रेनर में एक फर्क होता है। जब हम केवल बुक्स पढ़ा रहे हैं, जब हम केवल एकेडमिक नॉलेज दे रहे हैं, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके टीचर कह सकते हैं, लेकिन जब हम उसकी पर्सनैलिटी पर समग्रता से सोच रहे हैं, यह सबसे बड़ी चुनौती है, यह हमारा सबसे बड़ा काम है। जब हम एक विद्यार्थी की पर्सनैलिटी पर काम कर रहे होते हैं तब हम आचार्य होते हैं। और यही अंतर होता है एक शिक्षार्थी और विद्यार्थी में, यही अंतर होता है एक शिक्षक में और एक आचार्य में, एक शिक्षालय में और विद्यालय में। ये विद्या के घर है, ये विद्या के मंदिर है, ये शिक्षा के मंदिर नहीं है। यहां केवल एकेडमिक नॉलेज नहीं ली जाती। और जब भी किसी भी समाज में शिक्षा को रेगुलराइज करने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी, वो कॉलोनाइजर तो हो सकता था और हुआ भी, लेकिन वो कभी विश्व गुरु नहीं हो सका। मैकॉले फॉर एग्जाम्पल,
1835 में उसने विद्यालयों को, गुरुकुलों को, आश्रमों को शिक्षालय में परिवर्तित कर दिया. द नॉमिनक्लेचर बिकेम स्कूल. इट वॉज इन 1835 एंड ही डिड इट डेलिबरेटली बिकॉज ही वॉन्टेड टू कोलोनाइज इंडिया फॉर द गुड ऑफ ब्रिटेन, नॉट फॉर द गुड ऑफ इंडिया. खैर, उससे क्या फायदा नुकसान हुआ यह आज का विषय नहीं है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि टीचर को अपनी पर्सनैलिटी में चेंज किए बिना अगर वो ये सोचते हैं कि वो पूरे भारत का नक्शा बदल देंगे, पूरे भारत का ज्ञान क्षेत्र बदल देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, संभव नहीं है. असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए. तो जो एक आचार्य के गुण हैं वो भी हमें देखने चाहिए. मैंने अनेक बार राम कथाओं में विश्वामित्र को अनुपस्थित पाया. विश्वामित्र भाइयों के साथ घूमते हैं और उनका ज्यादातर जो डिस्कशन है वो घूमते हुए हुआ. क्या गंगा नदी के बारे में, क्या योग के बारे में, क्या निद्रा के बारे में, क्या भोजन के बारे में, क्या राजताज के बारे में. और इसीलिए हमको बहुत सारी गाथाएं कथाएं तो याद है, लेकिन भारत, भरत का और श्री राम का राम राज्य क्या है इसके बारे में हमें पता नहीं है. हम कहते हैं ये रिटोरिक्स में राम राज्य की स्थापना होगी, लेकिन राम राज्य क्या है? हाइट ऑफ गवर्नेंस वॉज देयर और इस गवर्नेंस में देर वॉज एन इंपॉर्टेंट पोजिशन विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय द गुरुज, जो आचार्य से एक पद ऊपर होते थे, गुरु. उनका गवर्नेंस में एक रोल होता था, उनकी गवर्नेंस में एज एडवाइजर एक ड्यूटी होती थी. उस समाज में जाकर वह समाज को गाइड करते थे. और जब तक यह स्थिति फिर से नहीं आएगी तब तक हम विश्वगुरु नहीं बन सकते. विश्वगुरु टीचर बनाता है, शिक्षक बनाता है, आचार्य बनाता है. विश्वगुरु कोई स्वतः ही नहीं बन जाता. तो हमने एक ऐसे नॉलेज को पाने की कोशिश की जो यूनिक थी, जहां हम लीडर्स थे. और इस नॉलेज में जो सबसे बड़ी महत्ता थी, जो सबसे बड़ा रोल प्ले था, वो था संस्कृत भाषा का. दुनिया की ज्यादातर भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है. आज हम अपनी भाषा भूल चुके हैं और आज हम ये डिस्कस करने हैं व्हाट शुड बी द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया. आप इसे इत्तेफाक नहीं भी रख सकते, लेकिन ना अपनी भाषा, ना अपने ज्ञान, ना अपने फॉर्मूले, ना अपने प्रिंसिपल्स, ना अपना एनवायरमेंट, ना अपना लक्ष्य, जब ये सब चीजें नहीं है तो विश्वगुरु बनेंगे कैसे? अगली बात मैं कहता हूं जो एक बहुत बड़ा रोल है वो है द टीचिंग ऑफ मॉरालिटी. सिटीजन दो तरीके से होते हैं, एक जन्म लेने के आधार पर, और वो कोई भी देश का व्यक्ति जिसका बच्चा उस टेरिटरी में जन्म लेता है उस देश का नागरिक हो जाता है बाय डिफॉल्ट. ये एक वैश्विक व्यवस्था है. और दूसरे जो सिटीजन बनते हैं वो लोग बनते हैं जिनके पास हाई मॉरल एप्टीट्यूड होता है. क्या हमारे पास उतना समय है कि हम बच्चों में वो मॉरालिटी डेवलप कर सके? 2011 में जब मॉरल एजुकेशन की बात आई तो एक मॉरल एजुकेशन शुरू हुई और वो भी पुस्तकों में. अब आप मॉरल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं कि लोगों को मॉरल बना रहे हैं? इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. फिर वही आचार्य का रोल आ जाता है.
मुझे मॉरल बनना होगा, मुझे हाइट ऑफ डिसिप्लिन शो करनी होगी, आई मस्ट मैनिफेस्ट द हाइएस्ट गुड ऑफ द सोसाइटी, द हाइएस्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इन द सोसाइटी, अदरवाइज आई कैन नॉट टीच माई स्टूडेंट्स. ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि हमें अभी जूझना है. अगर मैं टीचर के रोल की बात करूं तो एक रोल और आता है, यद्यपि उसमें सरकार का सहयोग चाहिए होगा. तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इक्वालिटी, इक्वानिमिटी एंड इक्विटी. इक्वालिटी के बिना विश्वगुरु बनेगा भारत? समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए. हमारी एजुकेशन में क्या इक्वालिटी है? क्या यहां जो बच्चा पढ़ रहा है वो दक्षिण के किसी ट्राइबल बेल्ट का बच्चा पढ़ रहा है? क्या जो यहां पर हमारे पास डिजिटल गेन है जिसके बेसिस पर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो डिजिटल गेन दरभंगा में हमारे पास है, क्या वो गुजरात के किसी ट्राइबल बेल्ट में है? नहीं, वहां डिजिटल डिवाइड है. क्या नॉर्थ ईस्ट में वो डिजिटल गेन है? नहीं, वहां डिजिटल डिवाइड है. तो इक्वलिटी कहां से आएगी? सिलेबस भी इक्वल नहीं है, ट्रेनिंग भी इक्वल नहीं है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग भी नहीं है, लंबी ट्रेनिंग भी नहीं है, लॉन्ग ओरिएंटेशन कोर्सेज भी नहीं है. तो कमिटमेंट कहां से डिवेलप होगा? खूब मंडूक होकर हम, क्या हमको लगता है कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे? एक फैशन सा चला है, जाइए नीदरलैंड को, नॉर्वे को, ऑस्ट्रेलिया को, फिनलैंड को स्टडी करके आइए. हमें उनके सिस्टम्स को स्टडी क्यों करना है? क्या वो सिस्टम हमारे समाज के अनुरूप है? हमारा समाज एक हेटरोजीनियस सोसाइटी है, एक अलग सा समाज है. उनके सिस्टम यहां पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे. और पर्टिकुलरली जब हम ये कह रहे हैं और मान भी रहे हैं कि उन्होंने वो सिस्टम हमसे बोरो किए, तो हम बोरोड सिस्टम को रीबोरो करके क्या साबित करना चाहते हैं? भारत का समाज बहुत बदल चुका है, और इस बदले हुए समाज में जो विसंगतियां हैं उसके आधार पर हमें नई शिक्षा नीति को लेकर आगे चलना होगा. डॉक्यूमेंट की एक्सरसाइज बहुत अलग तरीके से होती है और बहुत डिफरेंट होती है. हमें अपने विद्यार्थियों पर विशेष रूप से काम करने की जरूरत है. इक्वालिटी से आगे बढ़ना होगा, इक्विटी की बात करनी होगी, हिस्सेदारी. दिस इज, जब हम राइट टू एजुकेशन लागू कर देते हैं, देन इट बिकम्स द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A. इट इज एज इंपॉर्टेंट एज द लाइफ इटसेल्फ इज. और उसमें हम भेद नहीं कर सकते, संवैधानिक रूप से हम उसमें भेद नहीं कर सकते. इसलिए उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, सबकी एजुकेशन एक सी होनी होगी. एटलीस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर तो होनी ही होगी. टर्शियरी लेवल पर कुछ सेंटर्स डेवलप होते हैं, वो एक अलग बात है. वो पूरी दुनिया में होते हैं, वो पहले हमारे यहां भी थे. पहले तक्षशिला था, इधर पास में नालंदा था. लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर तो हम ऐसा करें ही करें. अगली बात हम जो मैं इसमें कहना चाहता हूं, महंगे स्कूल का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए. क्योंकि महंगे स्कूल में सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ मनी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माइंड. तो जो कमजोर विद्यार्थी है इस देश का, लेकिन बहुत काबिल है, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो काबिल बहुत है, क्या उसे अधिकार नहीं है? राइट टू एजुकेशन होने के बाद भी क्या उसे अधिकार नहीं है किसी अच्छे, बड़े, महंगे, सो कॉल्ड, तथाकथित महंगे स्कूल में पढ़ने का? उसे भी अधिकार है. और अगर नहीं है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हम फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं. उसे यह अधिकार है. और वहां सिलेक्शन का क्राइटेरिया मनी नहीं हो सकता, वहां सिलेक्शन का क्राइटेरिया माइंड ही होना चाहिए. इसीलिए हमें कोशिश करनी होगी ऐसे बच्चों को डेवलप करने के लिए, अपने विद्यार्थियों को इस रूप में डेवलप करने के लिए जहां वो अमीर तो हो
लेकिन उनके अंदर नेतृत्व क्षमता कम ना हो जो अभी हो रहा है, जहां वो इंटेलिजेंट तो हो लेकिन सबमिसिव ना हो जो अभी हो रहा है। हम दूसरों की नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम सुपर पावर्स की नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, तो हम इंटेलिजेंट हैं लेकिन बहुत सबमिसिव हैं। ये आदत हमें अपने विद्यार्थियों में खत्म करनी होगी, और प्राइमरी लेवल पर हो गई तो हो गई, टर्शियरी लेवल पर यह खत्म नहीं हो सकती। हार्ड वर्किंग तो है हम, लेकिन इंप्रेशनिस्ट नहीं है। हम इनोवेटिव तो हैं, लेकिन फिर भी फॉलोअर्स हैं। आईटी सेक्टर में हमने देखा दुनिया की इनोवेशंस में भारतीयों का सहयोग कितना है, लेकिन फिर भी वो उस कैनल्स में कहीं नहीं आते। मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी है। मोटिवेशन की कमी विद्यार्थियों में इसलिए है क्योंकि शिक्षकों में भी है। अभी प्रोफेसर गांधी मणि त्रिपाठी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी, और वो उसका लब्बो लबाव मैं बता रहा हूं। जैसा आप बनाना चाहते हो अपने विद्यार्थियों को, वैसा आपको स्वयं बनना पड़ेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर आप सुन नहीं सकते, एक शोधार्थी भी ऐसी बात कह रहे थे, अगर आप सुन नहीं सकते सुना कैसे सकते हो? यू लूज योर राइट टू टेल व्हेन यू डोंट लिसन। क्या एक शिक्षक होने वाला शिक्षक 8-10 घंटे बैठकर गंभीरता से सुन सकता है, कीपिंग मोबाइल फोन एट बे? विद्यार्थियों से कैसे शिकायत करोगे? खुद गुड़ खाएं तो विद्यार्थियों का गुड़ कैसे छुटाएंगे? वो कमिटमेंट लेवल हमें चाहिए अपनी शिक्षा में, तब विश्व गुरु हम बनेंगे और एनईपी तब हमारा सक्सेसफुल होगा। हम एकेडमिशियंस बना रहे हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम नहीं कर रहे। और वेलन और जेंस ड्यूए की एक बात मैं कहना चाहूंगा जो मैं हमेशा से मानता आया हूं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। विश्व गुरु यदि टीचर अच्छे हैं यानी आचार्य अच्छे हैं तो वो विश्व गुरु बना सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी विश्व गुरु नहीं बना सकती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आचार्य को रिस्पॉन्सिबल किसको होना होता है? ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी के ये जो शिकंजे हैं, वेबलम भी कहते हैं, ड्यूवे कहते हैं, इन शिकंजों से, इन पंजों से हमें अपने आचार्यों को बचाना होगा। नहीं तो एनईपी 2020 ने जो इन टीचर्स डिग्निटी के स्वप्न देखे हैं वो भी पूरे नहीं होंगे, और जिस विश्व गुरु की हम बात करते हैं वह भी पूरा नहीं होगा सपना। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं, और पुनः मैं इस विश्वविद्यालय का ऋणी हूं, अपना ऋण अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विद्वत सभा में आकर मुझे यहां बोलने का अवसर प्रदान किया। आप सभी लोगों को और विशेषकर चेयरमैन साहब को, अरविंद मिलन जी को, प्रोफेसर अरविंद झा जी को पुनः मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत आभार।